मगर इस यकीन को पाने के लिए, इस यकीन को पाने के लिए कुछ लोगों को वो यकीन 5 घंटे में मिलता है, कुछ स्टेशन 5 साल के होते हैं, कुछ 5 महीने के होते हैं। लाइफ इज अ स्टेशन, स्टेशन अपॉन स्टेशन एंड अपॉन स्टेशन अपॉन स्टेशन, हरता जाती है यकीन टिल यू विल डाई। ये जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी बेटा, ये जिंदगी चलती रहेगी और तूने अपनी लेगेसी दुनिया में छोड़ के जानी है, अपने वैल्यूज की, अपने उसूलों की, और आखिरत में अपनी पोटली लेके जानी है अपनी जजा और अपने रिवॉर्ड की। कि मैंने इस जिस्म को जाया नहीं किया, मैंने एक बेढंग की जिंदगी नहीं गुजारी, मैंने एक बदतहजीब जिंदगी नहीं गुजारी, मैं एक कायर की जिंदगी नहीं जिया, मैं बहादुर बना डरपोक था, मैं एनलाइटेंड बना जाहिल था, मैं रोशनियों में आया अंधेरों में था, मैंने ईमान को कबूल किया मैं मुनाफ़त में था, मैंने इनकार किया मुनकर का और मारूफ को गले लगाया, मैंने हक को अपना खून भी दिया, अपने जज्बात भी दिए, अपने लम्हात भी दिए, अपने लहजात भी दिए, और इनने अपना वजूद भी कुर्बान किया अपने विजन की खातिर, अपनी सोच की खातिर, अपने वैल्यूज की खातिर। दिस इज द वॉक टुवर्ड। वो यकीन नसीब कैसे होगा जब वो स्टेशंस कवर हो? स्टेशंस जल्दी कवर हो गए तब भी बेसकूनी होगी, क्योंकि सारे रिंग्स तो उठाए नहीं आपने आर्केड मोड के सोने के। अगर लेट पहुंचे अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। कुछ लिया कुछ नहीं पहुंचा, 2-3 स्टेशंस में बड़ी बनाई होंगी। ये अभी एक फेज चल रहा है आपका 4 साल का, इसमें जो कुछ कलेक्ट कर सकते थे, याद रखना आगे की जिंदगी शायद मौका ना दे और देगी, मगर फिर रिलैक्स करने का टाइम कम हो जाएगा। जितना अपने स्टेशंस में मिड 15 to 20s, 20s to mid 20s एंड mid 20s to mid 30s एंड mid 30s to mid 40s, ये सारे स्टेशंस में जहां इंसान की सोच, उसका नजरिया, उसका अकीदा, उसकी थॉट, उसका माइंडसेट, उसकी वैल्यूज, उसके प्रिंसिपल्स, उसके उसूल, उसके कवायद, उसके जवाबत पहले वजूद में होते हैं, फिर बका की जंग लड़ते हैं, फिर मकान की जंग लड़ते हैं, फिर रिटेंशन की जंग लड़ते हैं, और फिर कमाल की जंग लड़ते हैं जिसे एक्सीलेंस कहते हैं, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं। इसके बीच में हजारों स्टेशन आ सकते हैं, कोई 6 महीने के, कोई 6 दिन के, कुछ 1 घंटे का, कुछ 6 साल। वो स्टेशन अगर तूने कवर नहीं किया, वो स्टेशन अगर तूने सर नहीं किया, उन असबाब के साथ तूने सर नहीं किया, उन वैल्यूज के साथ सर नहीं किया, उन नजरियात को तूने कामिल नहीं किया, साइकोपैथीज को मिनिमाइज नहीं किया, तेरे पास अगले स्टेशन पे आगे बढ़ने के लिए नई बलाएं, नए लोग, नए चैलेंजेस, नई ऑब्स्ट्रक्शन, उसके लिए वो यकीन आएगा ही जब वो स्टेशन क्रॉस होगा, और फिर आप वैल्यू एडिशन करेंगे। सबर के बगैर यकीन मुयसर नहीं होता, सबर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ तो क्विक ट्रिप्स हो सकती हैं लाइफ में, कुछ तो शॉर्ट ट्रिप्स हो सकती हैं लाइफ में, मगर स्टेशंस लंबे होते हैं, कुछ दुश्मन लंबे होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी बाद में आती है। सम हिट्स एंड सम क्लिक्स कम इन 5 सेकंड्स, बट सम हिट्स एंड सम क्लिक्स टेक्स 5 इयर्स, सम इयर्स दे टेक डेकेड्स। अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया विद इन अ स्पैन ऑफ अ सेकंड, मगर 23 से 22 साल लगे अबू सुफयान रजी अल्लाह अन्हु को कबूल करने में। कभी कभी कुछ स्टेशंस को मैच्योर करने में 23 साल लग जाते हैं, 22 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, अगर उन कैदों में उन बड़ी बड़ी हस्तियों ने जो काटी तारीख में अमर होने के लिए, दुनिया और आखिरत में नाम बनाने के लिए, सबर नहीं होगा कैसे चलोगे? सबर अपने मिजाज के खिलाफ, सबर अपने हालात के खिलाफ, सबर कुछ दिख नहीं रहा मगर कदम बढ़ा लिए, सबर उस ग्रे में जहां दुश्मन डिफाइंड नहीं, सबर उस ग्रे में जहां दोस्त भी डिफाइंड नहीं, सबर उस ग्रे में जहां अपॉर्चुनिटी भी डिफाइंड नहीं, सबर उस ग्रे में जहां पर लॉग फाइल्स ही नहीं है माजी के लोगों की, सबर उस डोमेन में, उस रोल में, उस फैसेट में जो किया नहीं कभी किसी ने, सबर उसके अंदर जिसमें रेफरेंस ही नहीं मिल रहा किताबों के अंदर, सबर उसके अंदर जहां उस्ताद ही नहीं मिल रहा कोई, सबर उस डोमेन में जहां मार्केटिंग ही नहीं कर पा रहा उसकी, सबर उसकी जहां लोगों को चाहिए ही नहीं वो उसको, सबर उसमें जहां बहुत ज्यादा उसकी वो फैशन फैंटेसी नहीं जुड़ी, सबर जिसको कोई माशरत नहीं मिली उस ग्रे में, वो सबर जो उस इंतजार में है, वो सबर जो उस शाहकार में है, वो सबर जो उस वकार में है, सबर उन तन्हाइयों के अंदर, सबर के कभी होप छेड़ोगे तो खौफ निकल जाएगा, सबर के कभी खौफ को पकड़ोगे तो उम्मीद निकल जाएगी हाथ से, सबर खौफ पकड़ोगे उम्मीद पकड़ोगे तो मोहब्बत हाथ से निकल जाएगी, मोहब्बत संभालोगे तो बुगस हाथ से निकल जाएगा, बुगस को हाथ दोगे तो यहां से आपका गुस्सा गजब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ये सब संभालने जाओगे तो दूसरे रोल की फटीके आ जाएंगी। सबर अपने नफ्स के खिलाफ, सबर अपने दुश्मन के खिलाफ, सबर उन उठती हुई उंगलियों के खिलाफ, सबर उन लहजात और लम्हात में जहां लोग कहते थे यही जो शुएब अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा और हर बड़े थिंकर को कहा जाता है, मा नफ्स कहो कसीर मिम्मा तकूल, तेरी बातें हमें समझ ही नहीं आती,
तेरे आइडियाज हमें समझ ही नहीं आते, तेरी पॉजिटिविटी हमें समझ ही नहीं आती, तेरा ऑप्टिमिज्म हमें समझ ही नहीं आता। सबर उन वक्तों का, तो उस यकीन को अचीव करने के लिए जहाँ दिल में वो ठंड हो, कलेजे में वो सुकून हो, हरकतों में वो सकन हो, वो सकनात हो, वो यकीन के बगैर नहीं आ सकता।